गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक प्रकार से होंगे। आपके पास बहुत सारी सब्जेक्ट की वीडियो पहुंच रही हैं, लेकिन कुछ बच्चों के सवाल थे कि हमें ड्राइंग यानी चित्रकला की वीडियो भी हमारे पास पहुंचाई जाए। तो स्वागत है आपका, लेकर आया हूं मैं आपका जो प्रिय सब्जेक्ट है चित्रकला, उसके माध्यम से एक नया विषय। हमारा विषय होगा स्पर्श रेखाएं। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा स्पर्श रेखाओं के बारे में, यदि नहीं पढ़ा तो चलिए आज मैं बता देता हूं आपको। तो प्राविधिक कला के जो पहला खंड है, इसमें पहली यूनिट है, इसके माध्यम से मैं आपको स्पर्श रेखाओं के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा की डेफिनेशन जान लेते हैं हम। वह सरल रेखा जो किसी वृत्त के परिधि पर दिए गए बिंदु को स्पर्श करे, स्पर्श रेखा कहलाती है। यह वृत्त की त्रिज्या के उस सिरे जो सिरा किसी वृत्त की परिधि पर मिलता हो उस पर खींचा गया लंब स्पर्श रेखा कहलाता है। लेकिन ध्यान रहे, वो स्पर्श रेखा केवल उसको स्पर्श ही करेगी, काटेगी नहीं। अगर वो वृत्त को काट कर जाती है तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा स्पर्श रेखा के बारे में। डेफिनेशन में लिखे देता हूं यहां पर, वह सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर दिए गए बिंदु को स्पर्श करे, स्पर्श रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा कहलाती है। एक चित्र के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने ये सर्कल खींचा है यहां पर, यहां पर ये हमारा जो सर्किल है यानी वृत्त है, ये इसका केंद्र है, और केंद्र से परिधि तक यानी ये त्रिज्या हुई हमारी, आर से शो करते हैं इसको हम। ये जो बिंदु आया, मान लीजिए बिंदु पी है, इस पी बिंदु पर जो भी लंब खींचा जाएगा, दाएं बाएं दोनों ओर हो सकता है, ये हमारी ए और बी यानी ए और बी स्पर्श रेखा कहलाएगी। ये त्रिज्या कहीं भी हो सकती है, धर को भी हो सकती है। तो स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ निर्णय आपकी आएंगी। दूसरा बिंदु है हमारा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं हम। यानी कि किसी वृत्त पर जहां पर त्रिज्या परिधि को स्पर्श करती हो और उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा यानी जो लंब उसे टच करके जाए, छू कर जाए, वहां पर हमारा स्पर्श बिंदु बनता है। इसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। वह बिंदु या वृत्त की परिधि पर स्थित वह बिंदु जिसे स्पर्श रेखा मिलती हो तो स्पर्श रेखा से संबंधित रचनाओं के लिए हमें इन दो मुख्य बातों को ध्यान रखना है।
तो इसी के साथ हमारी जो पहली यूनिट की पहली निर्मय है वो शुरू होती है और पहली रचना को हम बनाकर देखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों आज हम ज्यामितीय कला यानी प्राविधिक कला में अपनी पहली निर्मय को हल करेंगे, समझेंगे। इसे सभी बच्चों को अपनी कॉपी पर लिखना है, समझना है। तो पहली निर्मय है दिए गए वृत्त की परिधि, दिए गए वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु, वो बिंदु कोई भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है उसका, दिए गए बिंदु खा पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। देखिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, यानी प्रकार अच्छी क्वालिटी की होगी तभी हम रचनाओं को ठीक प्रकार से कर पाएंगे, अन्यथा उसमें कोई ना कोई दिक्कत पैदा होगी। तो ध्यान रहे कि प्रकार और पेंसिल अच्छी क्वालिटी की हो। तो सबसे पहले हम दिए गए व्रत, ये जो व्रत दिया है इसकी कोई भी माप नहीं दी गई है, इसकी जो त्रिज्या की माप निश्चित नहीं है, इसलिए हम अपने आधार पर कोई भी माप लेकर इस व्रत को बना सकते हैं। तो देखते हैं, हमने कोई भी माप ले ली, मान लीजिए हमने 2 या 3 सेंटीमीटर की माप ले ली और एक व्रत बनाया हमने। ये हमारा व्रत बना, थोड़ा और ठीक कर लेते हैं। अब कह रहे हैं कि इसके परिधि पर स्थित खा बिंदु, अब परिधि है, कोई निश्चित जगह नहीं है, तो कहीं पर भी हम इस बिंदु को मान सकते हैं, यहां मान सकते हैं, यहां मान सकते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार हम, चूंकि यहां ठीक रहेगा तो हम उस बिंदु को यहां मान लेते हैं और लिख देते हैं ये बिंदु हमारा खा है, खा बिंदु है। वृत्त का केंद्र भी है, मान लीजिए वृत्त का केंद्र का हुआ। तो स्पर्श रेखा के लिए क्या करते हैं, जो बिंदु दिया है उस बिंदु पर वृत्त के केंद्र से सीधी रेखा डाली जाती है, उस त्रिज्या को मिलाया जाता है। तो हम स्केल की सहायता से उसको मिला लेते हैं। यहां पर मैं बता दूं, रचना करने के 3 स्टेप होते हैं, यदि हम इनको ध्यान रखेंगे तो जो भी रचना हमने की है उसमें हमारे जो मार्क्स हैं वो कटेंगे नहीं। पहली बात यह है कि जब भी कोई रचना करते हैं तो दी गई आकृति को हम थोड़े जो हैं सामान्य पेंसिल से बनाते हैं, और जो रचना करते हैं उन रेखाओं को हम बिंदुदार, छोटे छोटे बिंदुदार डॉट डॉट करके बनाते हैं। और जिस चीज की रचना करनी होती है, क्योंकि अभी इसमें तीसरी चीज की रचना नहीं है, तीसरा स्टेप आने वाला है, रेखा खींचनी है, तो जो रेखा खींचनी है उसको हम थोड़ा डार्क से यानी गहरी पेंसिल से करेंगे। यानी 3 प्रकार की रेखाओं से दी गई जो रचना होती है, दी गई रचना को हम थोड़ा हल्के से, और जो रचना की है उसे बिंदुदार से, और जो चीज बनवाई जा रही है, जिसकी रचना कराई जा रही है, उसको हम थोड़ा गहरे से कर देते हैं तो सुंदर रचना होगी। पेंसिल बारीक होनी चाहिए। अब क्या करना है, ये हमारे जो का से खा को मिलाने वाली रेखा है, का से खा को मिलाने वाली जो रेखा है, तो बिंदु खा पर
हम सीधा लंब खींचेंगे। सीधा लंब खींचने का मतलब है का खा पर 90 डिग्री का कोण बना लेना है, 90 डिग्री का कोण। तो हम खा बिंदु पर प्रकार रखेंगे और कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगानी है, कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगानी है। फिर अपनी प्रकार को हमें यहां रखना है, एक चाप यहां लगानी है, काटी गई चाप पर पुनः प्रकार की नोक रखेंगे, फिर दूसरी चाप लगाएंगे। हमें यहां पर दो चापें प्राप्त हो रही हैं, बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर हमें दो चापें प्राप्त हो रही हैं। इन दोनों चापों को केंद्र मानकर इससे उसी दूरी से आगे की ओर फिर इस बिंदु से इसे काट देंगे। बस यही बिंदु इस बिंदु को मिलाएगा, यानी इसको और इसको मिलाते हुए सीधी रेखा खींच देंगे। अनंत रेखा होती है वैसे तो, लेकिन इसे बस यहीं तक रोक देंगे, इसको हम गा मान लेंगे, यानी खा और गा। तो ये हमारी रचना हो गई। इससे पता चला कि खा गा ही हमारी व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखा है। तो ये हमारी पहली रचना पूरी हुई। अगली वीडियो में दूसरी रचना के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर।